नारद जी की ताजा खुसुर फुसुर को मिस ना होने दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नारायण नारायण। समाज कल्याण विभाग की मदद से आकांक्षा लॉयन शिक्षण और सशक्तिकरण संस्थानों की ओर से दिव्यांगों के समावेशी विकास के लिए 9 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होप का आयोजन किया जा रहा है। न्यू सर्किट हाउस के कन्वेंशन हॉल में 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन का शुभारंभ राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। मीडिया से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने देश में लगातार हो रहे महिलाओं पर अत्याचारों को लेकर कहा है कि महिलाओं को अपनी रक्षा के लिए स्वयं आगे आना होगा। उन्होंने कहा, देश में कानून है, इसके बाद भी दरिंदगी की घटनाएं हो रही हैं, लोगों के मन में अब पुलिस का खौफ नहीं है। इस दौरान राज्यपाल ने हैदराबाद में हुए गैंगरेप मामले में भी कहा है कि हैदराबाद में पुलिस को फोन पर बताने के बाद भी डॉक्टर की सुरक्षा नहीं हो पाई, उसे जलाकर मार दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर रक्षक भी मदद ना करे तब क्या होगा, इसलिए समाज को जागरूकता की जरूरत है। महिलाओं को अपनी रक्षा के लिए स्वयं आगे आना पड़ेगा। समाज में अब महिलाओं को खुद की रक्षा करनी चाहिए और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कि कानून तो है, सब कुछ होने के बावजूद इस तरह की रोज न रोज घटना हो गई। मैं जब दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग में थी तो इस विषय में भी हम लोगों ने काफी रिकमेंडेशन सरकार को दिया था। बलात्कार के केसों के बारे में, बलात्कार की अनुशंसा भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय हम लोगों ने ही किया था कि ऐसे लोगों को जो है फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी, फांसी की सजा होने के बावजूद भी लोग जो विकृत मानसिकता के लोग इस तरह के दुष्कर्म कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अब ऐसा लगता है कि महिलाओं को खुद को अपना सेल्फ जो है खुद की सुरक्षा ही अपने लिए करना जरूरी है। और एक जागरूक होने के नाते लड़कियां हैं उनको एक ट्रेनिंग टाइप का भी प्रशिक्षण देना चाहिए, तभी, क्योंकि अब उम्मीद नहीं लगती है कि पुलिस, देखा जाए अगर पुलिस होते हुए भी, और उन्होंने पुलिस को भी खबर किया था हैदराबाद की घटना, और उसके बाद भी अगर उसकी रक्षा नहीं हुई, उसकी सुरक्षा नहीं हुई और उसको जलाकर मार दिया गया, तो ये तो बहुत ही, अब किससे हम रक्षक जो होते हैं वो भी मदद ना करें तो फिर क्या होगा। और इसलिए समाज को एक जागरूकता की जरूरत है। खबरची न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश यादव के साथ ममता मानकर की रिपोर्ट। नारायण नारायण।